हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी सो स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो आई हैव टेकन फर्स्ट पोएट्री ऑफ योर बुक विच इज़ हॉर्न बिल एंड इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू सो लेट्स स्टार्ट सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर uh, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और uh, स्पेशली जब मैं बात करूँ पोइट्री की देन इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज पोइट्री में आपको हर एक पोएम का एक्सप्लेनेशन ज़रूर मालूम होना चाहिए वो भी एक डीप में तो इसको आप अटेंटिवली इसको सुनिएगा आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स मिलती हैं उनको आप मग अप कर लीजिए एंड साथ में आप बुक लेके बैठिए तो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगे जो वर्ड मीनिंग्स आपको डिफिकल्ट लगें तो उसको ऑन द सेम टाइम आप लोग लिख सकें ओके सो तो देखिए एक्चुअल में ये जो पोइट्री दी गई है इस पोट्री में जो पोएट हैं वो देखते क्या कि अपनी इनकी जो मदर हैं वो गुजर चुकी हैं शी इज़ नो मोर और अब आप लोगों को कि घर मेरे ख्याल सबके घर में एक इमेज एक पोर्ट्रेट लगी होती होगी आपके बुज़ुर्गों की आपके फोर फादर्स की या फैमिली मेम्बर्स की जो अब इस दुनिया में नहीं है ठीक है तो जब कभी भी आप उन फ़ोटोज़ को देखते हैं तो अगर आपकी कोई मेमोरी उनके साथ जुड़ी हुई होती है तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाती है ठीक है तो बेसिकली चूँकि चैप्टर में जो टाइटल है फ़ोटोग्राफ तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक फ़ोटो है राइटर जो पोइट है उन्होंने एक्चुअली एक पोर्ट्रेट देखा एक फोटो देखा अपने घर में अब उस फोटो में ऐसा क्या उन्होंने देखा वही चीज़ों को उन्होंने एक पोइट्री के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो घर पर जब वो एक फ़ोटो देखते हैं तो कहते क्या है द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज वन द टू गर्ल कजिन इन वैन पैडलिंग सो एक्चुअल में वो जो फोटोग्राफ थी वो उनके मदर की थी और मदर की जो सिस्टर्स थी उन वो लोग उस इमेज में थी ठीक है तो उसी को वो देखते हैं और क्या कहते हैं द का्डबोर्ड तो देखिए यहाँ पे जो था कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं, नहीं कार्ड बोर्ड कार्डबोर्ड किसके लिए यूज़ किया गया ये फोटोग्राफ का जो फ्रेम होता है फ़ोटोग्राफ होता है उसके लिए यूज़ किया गया है क्यों क्योंकि बेसिकली जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो कार्डबोर्ड पर बेस्ड करके बनाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर पॉइंट ये वर्ड यूज़ किया है तो कहते हैं कि जब मैं उस को देखता हूँ तो कार्डबोर्ड शोज़ में वो कार्डबोर्ड वो फोटोग्राफ मुझे दिखाता है प्रतीत कराता है महसूस कराता है या फिर आप कह सकते हैं याद दिलाता है उन memories, उन मेमोरीज़ को रिकॉल कराता है या उस टाइम को रिकॉल कर देता है पुनः जीवित कर देता है वैन जब द टू गर्ल्स यहाँ पे देखिए टू गर्ल्स के पहले दा लगा हुआ है यानी कि वो किसी पार्टिकुलर दो गर्ल्स के बारे में बात कर रही हैं ठीक है थीके? वो दोनों द टू कजिन्स यानी वो जो फ़ोटो में जो दो लड़कियों की फ़ोटो हैं इमेज हैं वो क्या हैं कजिन्स हैं वेंट पैडलिंग पैडलिंग मतलब होता तो है साइड बाय साइड लड़खड़ाते हुए चलना जैसे कि आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कभी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूम रहा होता है उनकी फिंगर्स को पकड़ के तो बच्चा का लड़खड़ाते हुए चल रहा चलता है तो उस जगह पे हम कह सकते हैं द बेबी इज़ पैडलिंग पैडलिंग होता है क्या वेंट पैडलिंग में लड़खड़ाते हुए या झूमते हुए चलना तो इस फोटोग्राफ में जो दो कज़िन लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं पैडलिंग झूमते हुए कह सकते हैं या फिर लड़खड़ाते हुए तो लड़खड़ाते हुए तो बेसिकली बच्चों के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर आप बेसिकली बोल सकते हैं झूमते हुए खुशी से चलना ठीक है तो वो दोनों लड़कियाँ झूमते हुए चल रही हैं ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड अब देखिए यहाँ पे ऊपर बात किया गया था दो गर्ल्स का यानी कि वहाँ पे दो कजिन सिस्टर हैं और उन्होंने क्या हुआ है वहाँ पे एक और लेडी है जिनका हाथ उन दोनों कजिन सिस्टर्स ने पकड़ा हुआ है और जो तीसरी लेडी हैं वो कौन है वो पॉइट की मदर है तो वही कह रहे हैं कि वो जो दो लड़कियां हैं जो दो तो कजिन सिस्टर हैं उन्होंने क्या किया हुआ है ईच वन होल्डिंग ईच वन मतलब दोनों में जन दोनों ने होल्डिंग पकड़ा हुआ है मेरी मदर का हाथ मेरी मदर का हाथ पकड़े हुए वो दोनों लड़कियां उस फोटो में क्या झूमते हुए चल रही हैं ठीक है ऐसा फोटो में फोटो को देखने में लगा है जब पोर्ट फोटो को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है एज जैसा कि श्री द बिग गर्ल उसमें से जो बड़ी वाली लड़की है सम ट्वेल्व ईयर ओल्ड और सो तो वो लगभग बारह साल और सो मतलब आस पास वो शायद लगभग बारह साल के आस पास की है ऐसा पोर्ट बता रहा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल और वो जो तीनों हैं उन तीनों में एक तो मेरी मदर है जो बीच में है साइड बाय साइड दो कजिन सिस्टर हैं ठीक है ठीके? और ऑल थ्री स्टूड स्टिल वो तीनों बिल्कुल स्टिल मतलब एक जगह पे खड़े हैं जैसे जब आप फोटोज क्लिक कराते हैं एक जगह पे आप लोग देखते हैं ना आप लोग क्या करते हैं पोज देते हैं खड़े होकर के बिल्कुल साइलेंट होकर के ठीक है तो यहाँ पे है कि वो बिल्कुल एकदम क्या फ्रीज होकर के खड़े हैं एंड स्माइल और मुस्कुरा रहे हैं थ्रू देयर हेयर तो देखिए थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं तो वहाँ पे हवा चल रही है विंड चल रहा है तो उनके हेयर क्या कर रहे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं और जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं तो आप अपने फेस पे स्माइल भी रखते हैं तो इसीलिए प्रोडक्ट ने यहाँ पे क्या दिया है वो जो इमेज है उस इमेज को ऐसा लग रहा है कि वो अपने बालों को संवारते हुए या फिर अपने बालों के साथ मुस्कुरा रहे हैं यानी कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सनारियों हैं वहाँ वो कैसा है विंडी है विंडी मतलब क्या हवा चल रहा है सो so दैट क्या हो रहा है उनके बाल उड़ रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं स्माइल कर रहे हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं पोटे ये पोए इस वजह से मैं काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम भी नहीं लूँगा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आप कम समझ पाएंगी एट द अंकल विद द कैमरा अब देखिए एट द अंकल वो किस एट द अंकल मतलब अंकल पे नहीं मुस्कुरा रहे हैं। मतलब अंकल की तरफ वो देख रहे हैं विद द कैमरा जो कहाँ पे एक अंकल हैं जो कैमरे के साथ खड़े यानी कि जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं शायद उन्हीं की तरफ देख करके जो है मुस्कुराते हुए अपनी यानी फोटो क्लिक करवा रही हैं आगे वो कहते हैं कि अ स्वीट फेस उसी में एक जो चेहरा वो क्या बहुत ही स्वीट है बहुत ही क्यूट है बहुत ही डिसेंट है ब्यूटीफुल है आप कह सकते हैं वो किसका चेहरा है पर्यट कहते हैं माई मदर्स उसी में एक चेहरा जो मुझे बहुत सुंदर लगता है बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो माय मदर से मेरी मदर के जो है वो चेहरा है और वो चेहरा कब का है दैट वॉज बिफोर वो पहले का है आई वॉज़ बोर्न जब मैं जन्म लिया था यानी कि ये वो जो है मेरे जन्म लेने के पहले का है यानी कि वो जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जिस फोटो के बारे में ये डिस्कशन चल रहा है एक्चुअल में वो फ़ोटो कब क्लिक कराई गई थी जब पोएट का जन्म नहीं हुआ था और ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा एंड द सीज़ अब इसके पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोग खुद समझ सक, सके तो एक चीज़ समझिएगा कि कोई भी नेचुरल चीज़ें हैं बेटा जैसे कि अगर आप कहीं पर आप घूमने गए आप ताजमहल देखने गए आप कुतुब मीनार देखने गए आप इंडिया गेट देखने गए ठीक है तो जो प्लेसेज हैं होते हैं तो बेसिकली वो सदियों सदियों तक लगभग एक जैसे होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं उनमें बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है या एक पार्टिकुलर एज तक वो अमर होती है अगर कंपैरिजन किया जाए किसकी तुलना में मानव इंसान की तुलना में हम लोग को देख न जाने कितने हमारे देश में मोन्यूमेंट्स हैं न जाने कितने पीढ़ियाँ कितने लोग आए उसको देखे चले गए बट वो अभी भी हैं ठीक है थेके? तो देखिए सो एट द सी अगर समुद्र की बात करें मतलब कि वो जो फ़ोटो क्लिक की गई है एक्चुअल में वो एक बीच का सीन था एक समुद्र का किनारा था और आप सब लोग जानते हैं समुद्र के किनारे जब लोग जाते हैं तो क्या होता है समुद्र की लहरें आती हैं और आपके पैरों को धोते हुए क्या करती हैं निकल जाती हैं ठीक है थीके? अब आपको पता है समुद्र तो बदलेगा नहीं समुद्र की लाइफ बहुत बड़ी है ठीक है सो वही आगे कह रहे हैं एट द सी उस समुद्र पे यानी कि उस बीच पे विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस अब भाई वो फोटो काफ़ी पुरानी है और कवि पोएट अभी वर्तमान स्थिति में है तो वर्तमान स्थिति में जो समुद्र दिखाई दे रहा है और जो उस समय दिखाई दे रहा था समुद्र जब उनकी माँ ने फोटो क्लिक कराया था एक्चुअल में दोनों में बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है मानो ऐसा लगता है कि वो अभी फिलहाल की ही फोटो है ठीक है अगर किसकी तुलना की जाए बैकग्राउंड की तुलना की जाए, जाए? ध्यान दीजिएगा तो वही यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस यानी कि वो जो सी है वो जो बीच है उसमें बहुत कम बदलाव दिख रहे हैं ठीक है यानी कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो समुद्र है वो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है एंड वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीड और वॉस्ट धुल रहा है जैसे मैंने बताया ना समुद्र में क्या होता है पानी की लहर आती है पैरों को धुल के जाती है देयर अभी टेरिबली को डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्ट फीड उनके पैरों को वो धुल रही है वो लहर आ रही है और पैरों को धुल रही है अब यहाँ पे दो वर्ड मैंने मिस किया ट्रांजिस्ट और टेरिबली इसका मतलब समझिए ट्रांजिस्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ फिक्स ना हो अमर ना हो स्थिर ना हो अब भाई कोई भी व्यक्ति ट्रांजिट फिक्स यानी वो पैर जो वहाँ पर हैं वो उसकी एक लाइफ फिक्स है एक समय के बाद वो उस जगह पे फिक्स नहीं होगी यहाँ पे आप दो मतलब कह सकते हैं कि भाई लोग आए घूमे और वहाँ से चले गए परंतु समुद्र तो वहीं पे रहेगा यहाँ पे आप एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं दूसरा मतलब यहाँ पे आप इंसान के जीवन से जोड़ सकते हैं कि भाई वहाँ पे जो वो लेडी खड़ी होकर फोटो क्लिक करा रही हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है ठीक है तो ट्रांजिट मतलब टम्प्रेरी कह सकते हैं ठीक है सो तो जो टम्प्रेरी फीट है और टेरिबल टेरिबल यहाँ पे यूजली यूज कर रहे हैं कि हल्का सा पोर्ट को दर्द हो रहा है वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनकी मदर एक्चुअल में अब इस दुनिया में नहीं है जब वो इस पोर्ट को लिख रहे हैं इस पोयट्री को लिख रहे हैं ठीक है सो वॉच दे आर टेरिबली ट्रांजिस्ट टेरिबलीस्ट्राइम शायद ही जो एग्जिस्ट करे ठीक है बहुत लंबे समय तक उन पैरों को वो क्या कर रहे हैं वो समुद्र का पानी धुल रहा है तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा एंड अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो सारे वीडियोस आपको ईजली मिलते रहें नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा अगर मैं जैसे कोई लाइव सेशन चलाऊं एक्सरसाइज़ प्रोवाइड कराऊँ या फिर किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करूं तो ऑन द सेम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को ईज़िल देख पाएँ ऑलरेडी एवरी वन क्योंकि अभी ये पहला चैप्टर ही है आपकी बुक का एलेवन सेलेबस का अभी तो पूरा सलेबस मुझे कवर करना है एंड सम ट्वेंटी थर्टी ईयर लेटर अब यहाँ पे आगे देखिए सम ट्वेंटी थर्टी ईयर लेटर्स अब यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो इमेजिन कर रहे हैं कि लगभग उस फोटो जो क्लिक हुई थी उससे बीस या तीस साल बाद शिड लॉफ मेरी जो मदर है वो हंसी होंगी एट द स्नैपशॉट स्नैपशॉट मतलब होता है फोटोज़ ठीक है तो वो जो फ़ोटो है जो टंगी हुई है मेरी मदर ने जब उस फ़ोटो को देखा होगा बीस से तीस साल बाद वो हंसी होगी कैसे जैसे जब कभी आप लोग अपने बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो आपको थोड़ी सी आपके फेस पे एक स्माइल आती होगी अरे देखो मैं बचपन में कैसा लगता रहूंगा या हमने क्या क्या फनी एक्टिविटी की है या फिर वो पुरानी मेमोरीज रिकॉल होती तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और आप उस इवेंट को सोचना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो वही यहाँ पे पोर्ट कह रहे हैं कि लगभग बीस से तीस साल बाद मेरी मदर हंसी होंगी किस पे उस स्नैप शॉट यानी उस आफ्टर वॉचिंग दैट फोटो विथ शी हैड क्लिक मेनी ईयर्स लेटर शी मे हैव लॉफ्ड वो हंसी होंगी और क्या कही होंगी सी देखो बेटी एंड डॉली तो देखिए यहाँ एक चीज़ और कन्फर्म हो गया कि वहाँ पर जो दो लड़कियाँ थी जो हाथ पकड़ के चल रही थी साइड बाई साइड उनमें से दोनों का नाम क्या था बेटी और डॉली नाम था और वो मेरी मम्मी ने क्या कहा होगा देखो वो बेटी और ये डॉली जैसे भाई फोटोज़ में आपके साथ अगर कुछ लोग रहते तो आप उनके बारे में भी चीज़ें रिकॉल करते हैं उस घटना से जुड़ी हुई बातों को याद करते हैं तो उन्होंने क्या कहा होगा कि शी बेटी एंड डॉली अरे बेटी और डॉली को देखो शीट से एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर बीच वो उन्होंने क्या कहा होगा क्या डॉली और बेटी को देखो एंड लुक हाउ दे है तैयार करना ड्रेस ड्रेस मतलब क्या होता है कपड़े पहनाने के नहीं बट ड्रेस ड्रेस का यहाँ पे मीनिंग है कि तैयार करना रेडी करना फॉर द बीच देखो हमें उन्होंने कैसे बीच जाने के लिए तैयार किया गया था बीच की बात क्यों आई क्योंकि ये जो फ़ोटो क्लिक की, गई थी बीच में क्लिक की गई होगी मतलब कि वो घर से कुछ प्लान बना के निकले होंगे घूमने के लिए वहाँ पे गए होंगे फोटो क्लिक कराए होंगे और इस पूरे प्लान को बनाने के लिए किस कुछ लोगों ने बात डिस्कस किया होगा प्लान किया होगा ठीक है तो इसलिए वो कहती हूँ वो प्लान पॉइंट के अकॉर्डिंग किसने किया होगा बेटी और डॉली ने तो भाई क्या वो लाइक डिस्कस करते हैं कि लुक हाउ ड्रेस्ड अस फॉर बीच की मेरी मदर ने कहा होगा कि देखो बेट्रिया डॉली ने हमें कैसे बीच पे ले जाने के लिए तैयार किया था द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट जो है वो उदास होता है और कहता है ये जो छुट्टियां थी यानी वो छुट्टियों पे घूमने गए थे द हॉलीडेज समुद्री का जो छुट्टी का दिन था वॉज हर पास्ट ये उनका पास्ट था उनका बीता हुआ समय था एंड माइंड इज हर लॉफ्ट लॉफ्टर और मेरा क्या है हर लाफ्टर उनकी मुस्कुराहट यानी उनकी मुस्कुराहट पास्ट क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में उनकी मदरब नहीं है वो बीते हुए समय में उनकी मुस्कुराहट को देखा करते दे थे महसूस किया करते थे तो वही कहते हैं वो जो छुट्टी है वो छुट्टी की जो हॉलीडेज़ की जो फ़ोटो देख रहे हैं वो इंटरटेनमेंट जो था वो क्या था विथ हर पास्ट और उस फोटो में जो मुस्कुरा रही उनकी जो स्माइल मैं देख रहा हूँ और वो क्या है वो मेरे लिए पास्ट हैं क्यों क्योंकि अब मैं मदर की स्माइल को अब नहीं देख सकता हूँ बोथ राय राय मतलब होता है क्या थोड़ा सा लाइक उदास होते हुए भी हल्का सा मन में मुस्कुरा देना कुछ लोग पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं या जैसे आप पुराने मोमेंट को याद करते हैं तो आप कहीं कही ना कहीं क्या करते हैं उदास भी होते हैं और एक उनको देख के मुस्कुराहट भी होती है कि अरे हमने इतना अच्छा टाइम जिया फिर लगता है अरे इतना अच्छा टाइम हमने क्या कर दिया अब हमारे पास नहीं रह गया विथ लैबर्ड ईज ऑफ लॉस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझिएगा बोथ मतलब दोनों यानी कि मदर और पोएट दोनों क्या होते हैं उदास होते हैं कहीं ना कहीं किससे विथ लेबर्ड ईज यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं बता दूँ यहाँ पे ये जो पॉटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरान। ऑक्सीमोरान मतलब विरोधाभास मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इसमें आई होप आपको याद होगा देखिए लेबर्ट का मतलब होता है कठिन मेहनती वाला और ईज मतलब होता है आसान तो जहाँ पे दो वर्ड जो एक दूसरे के क्या हों बिल्कुल ही अपोजिट हों एक साथ यूज हुए हैं साइड बाई साइड तो वहाँ पर डिवाइस क्या होता है ऑगजी तो दोनों परेशान थे इस लैबर्ड इस यानी इस कठिनाई से प्राप्त आसान जो जीवन था जो लॉस हो गया है क्या हो गया है कठिनाई से प्राप्त जो ये जीवन था जो क्या हो गया लॉस हो गया है अब नहीं रह गया उससे क्या है वो अब उदास है बट एक मुस्कुराहट भी रहती क्यों क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया एक बहुत अच्छी यादें उनके साथ थी अब वो कहते नाव शीज बीन डेट नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिविशीन डियरली एक्चुअल में क्या है उनकी मृत्यु हो चुकी है नियरली एज मैनी साल हो गए हैं एज दैट गर्ट दैट गर्ल लिव जितने साल वो लड़कियां जीवित रही एंड और टू से एट दिस सर्कम्स टांसेज और इस स्थिति में इस परिस्थिति में इज नथिंग टू से अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है एट ऑल मतलब आ, आखिर आखिरकार इट्स साइलेंट्स क्योंकि ये क्या कर दे रहा है साइलेंट कर दे रहा है जितने भी साइलेंसेज हैं जितने भी चुप्पियाँ हैं सभी चुप्पियों को और ये चुप कर दे रहा है अब एक कहने का मतलब ये है क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं अब जब उनको मैं सोचता हूँ तो मैं पहले ही शांत हूँ लेकिन उनको और उस मेमोरी को सोचने के बाद मैं और भी शांत हो जाता हूं क्यों क्योंकि ये घटना वैसी रहेगी है जो हर साइलेंस को क्या कर दे रही है साइलेंस कर दे रही है सो एवरी वन इन दिस वे दिस चैप्टर हैज बिन डन आई विश कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा एंड स्टूडेंट्स वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स एज वेल बट ये वन मोर थिंग इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट टॉपिक वर्ड्स लाइन्स kindly drop your problems drop your feedbacks drop your questions there in comment box and yes everyone as this is the first video so as much as you all will support me as much as i will get uh, watch times and your uh, positive responses it will encourage me to record as many as videos for you all so everyone it's my humble request kindly share this video as much as you can thank you so much see you with the next